नमस्कार दोस्तों, आज हम वास्तु शास्त्र में बात करने वाले हैं कि वास्तु में ओरिजिनली डायरेक्शंस देखी कैसे जाती हैं, वास्तु में डायरेक्शन चेक करी कैसे जाती हैं, क्योंकि हर कोई आजकल अपना अलग अलग मेथड बना के बैठ गया है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है जिस टाइम वास्तु शास्त्र लिखा गया था उस टाइम पर दोस्तों कंपास नहीं होते थे। अब कंपास नहीं होते थे तो डायरेक्शंस देखते कैसे थे दोस्तों? इस चीज के डिफरेंट मेथड्स होते थे। सर्दियों का अलग मेथड था, गर्मियों का अलग मेथड था, और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड उस टाइम पे डेवलप किए गए थे वास्तुशास्त्र में डायरेक्शंस देखने के लिए। अब दोस्तों, उस टाइम की ये साइंस चली आ रही है। सबसे पहली चीज, वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, वास्तु कोई रिलीजन नहीं है, वास्तुशास्त्र एक साइंस है। अब ये साइंस उस टाइम से चलती आ रही है दोस्तों। अब दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि आजकल कुछ नौसिखिए कंसल्टेंट्स ने, बहुत सारे डिफरेंट कंसल्टेंट्स आ गए हैं और उन्होंने अपना अलग अलग वास्तु शुरू कर दिया है। 4 दिन का वास्तु का कोर्स करते हैं और वास्तु सीख के अपना वास्तु करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो 4 दिन का कोर्स क्या होता है दोस्तों? आजकल कुछ कंसल्टेंट फ्री में भी वास्तु कोर्स करा रहे हैं दोस्तों। ये चल क्या रहा है सिस्टम? ये बेसिकली चल ये रहा है कि कोई भी कंसल्टेंट, जो भी सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट है, अभी उनकी भी रियलिटी बताऊंगा, तो वो जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट है वो अपने एक प्रमोशन करता है कि मैं फ्री में कोर्स करा रहा हूं। अब वो फ्री में 10-20 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं बेचारे, उनको काम ढूंढना है। अब वो काम ढूंढने के लिए बच्चे इकट्ठे हुए, उनको सिखाया जाता है कि एक ये चक्रा है, इस चक्रा को किसी भी मैप पे रखो, और जिस भी मैप पे तुम इस चक्रा को रखोगे वो आना ही गलत है, क्योंकि चक्रा जैसी कोई भी टेक्निक का विवरण, कोई भी टेक्निक का डिस्क्रिप्शन किसी भी वेद या ग्रंथ में नहीं है। अब वो उन चक्रा वालों ने अपना एक सेल्फ क्राफ्टेड मेथड बना रखा है कि ये चक्रा किसी भी आप मैप पे लगाओ, और मैप पे लगाते ही ये लगभग 70-80% तक उस मैप को गलत बता देगा, चाहे वो 100% वास्तु से बना हुआ नक्शा ही क्यों ना हो, वो गलत बता देगा। और गलत बताते ही आपका ये बार चार्ट आप जनरेट करो इस स्टैट्स के दम पे जो कि ये चक्रा ने बनाई है, और बार चार्ट जनरेट करते ही आप आराम से अपने क्लाइंट्स को एक लंबी प्रोडक्ट की लिस्ट दोगे जो कि उसको परचेज करना पड़ेगा अगर वो अपने घर में वास्तु कराना चाहता है, अगर वो अपने घर में वास्तु से सुख शांति लाना चाहता है। दोस्तों, पहली चीज, वास्तु शास्त्र में प्रोडक्ट से कभी भी सुख शांति नहीं आती। जो भी कंसल्टेंट्स ये फ्रॉड कर रहे हैं 100% फेक है दोस्तों, 100% वो फ्रॉड ही है, क्योंकि वो ये धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ वास्तु शास्त्र में। यहाँ पे नीली टेप लगा लो, यहाँ हरी टेप लगा लो, कमोड़ के ऊपर ये रख दो, नीचे इसके ये लगा दो, ऊपर ये कर दो, यहाँ पे 2 घोड़े बिठा दो, यहाँ पे 2 हाथी बिठा दो, यहाँ पे तलवार लटका दो, यहाँ पे चेसबोर्ड रख दो। दोस्तों, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा इन्होंने रेमेडी बनाने से। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो 4 दिन फ्री कोर्स करा रहे हैं, इनका मकसद होता है अपने अंडर एजेंट बनाना, अपने अंडर रीसेलर्स बनाना। जैसे वो एक MLM वाला सिस्टम था ना, उसी का ही बहुत छोटा वर्जन है। MLM में स्टेप वाइज बनता था, इसमें स्टेप वाइज नहीं है। इसमें एक ही कंसल्टेंट के नीचे 50 बच्चे बेचारे फंस जाते हैं और वो गलत वास्तु सीख लेते हैं, ये चक्रा वाला वास्तु सीख लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये गलत है, कैसे असलियत में डायरेक्शंस चेक की जाती है वास्तुशास्त्र में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए भी, जो सच्चे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो क्लाइंट है उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो कि उन बेचारों के साथ क्या गलत हो रहा है। तो ये जो 4 दिन वाला कोर्स होता है, इसमें इनको एजेंट बनाया जाता है, इनको बताया जाता है कि तुम्हें कहीं भी कोई बुलाता है, ये चक्रा लेके जाओ, उसके मैप पे लगाओ। मैप नहीं है तो उनको आर्किटेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये नंबर देना, इससे ये मैप बना के दे देगा, ये 1500 रुपए में लेगा, 2000 रुपए में लेगा, और इसमें भी उनका कमीशन सेट होता है। वो आपको आर्किटेक्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आपका नक्शा भी बनवा रहे हैं, वो आपके घर का वास्तु भी कर रहे हैं। और वास्तु कैसे कर रहे हैं? आपका नक्शा लिया,
अपने उस फेक फ्रॉड जो भी चक्रा है उसको रखा, चक्रा रखते ये आपका घर तो जी 80% एंटी वास्तु है दोस्तों। 100% परफेक्ट वास्तु से बना हुआ नक्शा, एक चक्रा वाला को मैंने पकड़ लिया था, उस चक्रा वाले ने क्या करा, एक नक्शा बना के दिखाया, वही नक्शा मैंने क्लाइंट बन के उसके यहाँ भेज दिया कि सर ये नक्शा है और इस पे जरा वास्तु करके बताओ। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, 2,70,000 रुपए के प्रोडक्ट उस बंदे ने मेरे को रिकमेंड कर दिए, और जबकि जो नक्शा उसने अपनी ऑनलाइन वीडियो में दिखाया था कि ये देखो ये वास्तु से बना हुआ नक्शा है, 100% परफेक्ट वास्तु से बना हुआ नक्शा है, उसी नक्शे को मैंने कॉपी करके और उसी के पास भेज दिया कि मेरे को बताओ इसमें क्या कमी है। दोस्तों उसने पूरा नक्शा गलत बता दिया, तो ये तो इतना इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, इससे सबसे ज्यादा बच के रहें। अब वो कंसल्टेंट क्या करते हैं, वो अपने अंडर उन्होंने 50 बच्चे इकट्ठे कर लिए, उन बच्चों को बताया जाता है कि ये नक्शे के ऊपर लगाओ इस चक्रा को और ये 70% एंटी वास्तु नक्शा बना हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद उनको बताया जाता है कि अगर ये किचन यहाँ पे आ रही होगी तो यहाँ पे उसको ये रेमेडी बता दो। हर उस कॉलम की जो उन्होंने ग्रिड्स बनाए हैं, जिसको वो ग्रिड बोलते हैं, हर ग्रिड के लिए एक अलग रेमेडी उन्होंने बना रखी है और वो रेमेडी वो रिकमेंड करते हैं जब वो कहीं भी जाते हैं। दोस्तों 1,00,000 से लेके 8,00,000 तक के प्रोडक्ट वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं एक बारी में, इतना गलत आपके घर को बता सकते हैं, वो परफेक्ट वास्तु से बने हुए नक्शे को वो इतना गलत बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है चक्रा का, इससे बहुत ज्यादा बच के रहें। दोस्तों वेदों में कहीं पे भी इस चीज का कोई विवरण नहीं है, विवरण है तो वो इस चीज का है कि जिस टाइम पर ये वास्तु शास्त्र लिखा गया था उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये पद बनाए गए थे, उसमें स्क्वायर भी पद बनाया गया था, आप साइड में डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर पद भी है, इसमें रेक्टेंगल भी है कि अगर आपका प्लॉट स्क्वायर है तो कैसे आपको डिवीजन करना है, कैसे आपको अपना मुख्य द्वार निकालना है, कैसे आपको अपने घर का वास्तु करना है। इसके बाद आता है रेक्टेंगल प्लॉट, दोस्तों रेक्टेंगल प्लॉट का भी पूरा विवरण दिया गया है कि अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगल है तो आपको कैसे वास्तु करना है, मुख्य द्वार कहाँ आएगा, कैसे आएगा, हर चीज की डिटेल बताई गई है। फिर आता है राउंड, अगर आपका बाई चांस कोई भी प्लॉट, वैसे बनता नहीं है कभी भी, बट मैं आपको बताऊंगा राउंड क्या चीज बनती है, राउंड प्लॉट अगर है, राउंड मार्केट अगर बना रहे हैं, पहले बहुत सारी मार्केट्स डेवलप आज भी है दुनिया में दोस्तों, वो मार्केट दिल्ली में कनॉट प्लेस है, पूरा गोल बना हुआ है, राउंड मार्केट अगर कोई डेवलप कर रहा है तो उसको किस तरीके से पद बनाने हैं, पद काटने हैं, वो मेथड उस वास्तु में दिखाया गया है, उस ग्रंथ में बताया गया है और उसके ऊपर लिखा गया है कि ये राउंड शेप के बिल्डिंग्स या मार्केट या कोई भी बन रहा है स्ट्रक्चर उसके लिए है, ये स्क्वायर या रेक्टेंगल या किसी भी ऑड शेप का प्लॉट अगर है आपका उस पे अप्लाई नहीं होता। ये देख सकते हैं आप साइड में दोस्तों, मैंने नीचे बुक का नाम भी दे रखा है इसीलिए कि इस बुक में ये पेज दिया गया है और ये पेज की स्कैन कॉपी है, ये वास्तु रत्नावली जो आपका एक बुक है उसमें ये चीज दी गई है। और रेक्टेंगल प्लॉट है अगर आपका तो कैसे कटेंगे पद, आपका स्क्वायर प्लॉट है तो पद कैसे कटेंगे, आपका सर्कल है प्लॉट या मार्केट या कोई भी चीज आप डेवलप कर रहे हैं जो कि सर्कल शेप है तब आपको पद कैसे काटने हैं। और उसके बाद आता है ट्रायंगल, कि अगर ट्रायंगल शेप कोई भूखंड है या ट्रायंगल शेप अगर आप कोई कॉलोनी काट रहे हैं, स्ट्रक्चर काट रहे बना रहे हैं या कोई मार्केट बना रहे हैं तो पद कैसे कटेंगे। और दोस्तों इसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर आपका स्ट्रक्चर स्क्वायर है तो ये ग्रिड आपको इस्तेमाल करना है, अगर आपका रेक्टेंगल है तो ये ग्रिड आपको इस्तेमाल करना है, राउंड है तो ये, ट्रायंगल है तो ये। दोस्तों इस तरीके से वास्तुशास्त्र में वेद है और इन वेदों के साथ छेड़खानी करके किसी आदमी ने ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बना लिया। और इसमें भी एकता नहीं है दोस्तों,
इसमें भी हर चक्कर वाला अपना खुद का एक चक्रा बना के बैठा है और वो कहता है मेरे वाला सबसे अच्छा है। दोस्तों ये सारे फ्रॉड है, चक्रा वास्तु में कभी भी नहीं था, ना पहले था, ना आज है, ना कभी होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर स्क्वायर रेक्टेंगल ही बनते हैं। आपने कभी राउंड शेप बिल्डिंग नहीं देखी होगी और जो भी देखी होगी वो खराब ही हो रही होगी, उसमें कभी कोई सक्सेसफुल होगा ही नहीं है। राउंड शेप मार्केट जरूर बनती थी और उस टाइम में भी बनती थी, इसीलिए राउंड शेप का स्ट्रक्चर उन्होंने इस बुक में दिया है और ये बताया है कि अगर कोई भी भूखंड, कोई भी स्ट्रक्चर राउंड होगा तो उसमें पद कैसे कटेंगे। इन्होंने उसके बेसिस पे पूरा वास्तु लिख डाला अपना अलग। तो दोस्तों अगली बार इनके चक्कर में ना पड़े। इनके जो फ्री क्लासेस होती है ना, वो जो फ्री कोर्स करा रहे हैं, इसमें अपने अंडर एजेंट्स बना रहे हैं दोस्तों, उसमें ये चीज नहीं सिखाई जाती कि आपको क्लाइंट को कैसे उसके घर को ठीक करना है कि उसको खुशियां मिले। उसमें ये चीज सिखाई जाती है कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना है। तो दोस्तों अगली बार इनके चक्कर में ना फंसे, बच के रहें दोस्तों, ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इसके बाद आते दोस्तों यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, ये उससे भी ज्यादा महान है। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले भाई साहब तो अपना स्कैनर लेके आते हैं और कहते हैं मैं खुद बता दूंगा ब्रह्म स्थान कहां पे है। ये कोई भी जिसने दो दिन वास्तु पढ़ा है वो आपके घर के सेंटर में जाके बता सकता है ये आपके घर का ब्रह्म स्थान है। इसमें उस आदमी का स्कैनर क्या बोल रहा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक आदमी की फ्री वेबिनार हो रहा था, उसमें बैठा और उसमें मैंने उससे सवाल भी पूछा। वो कहता मैं चोर ढूंढ सकता हूं, मैं ये ढूंढ सकता हूं, मैं किसी का पैसा रख के भूल गया तो मैं वो ढूंढ सकता हूं। मैंने कहा मैंने एक बुक में 2000 का नोट रखा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से पेज के बीच में है पैसे, या कौन से 10 पेजेस 20 पेजेस, ये 150 पेजों की किताब है, इसके बीच में आप मेरे को ये बता दीजिए कि इन 10 पेजों के बीच में पैसे हैं, या आप मेरे को 4 जगह इस बुक को डिवाइड कर लीजिए और मेरे को बता दीजिए इस वाले सेट में है पैसे। दोस्तों वो भड़क गए मेरे ऊपर बुरी तरीके से। उन्होंने कहा मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, और 5 मिनट पहले वो अपनी उस वर्कशॉप में गए थे, मेरा ऑरा स्कैनर कुछ भी कर सकता है, मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूं। मैंने उनसे इतना भी कहा कि मैंने कहा अगर आप ढूंढ सकते हैं तो मुझे आप ये बता दीजिए मैं कहां रहता हूं, आप ढूंढ के बता दीजिए, आप मेरे को ये बता दीजिए मेरा घर कौन से शहर में है। दोस्तों और ज्यादा भड़क गए। अभी मैंने ढूंढने की तो बात करी, तो दोस्तों ये उनसे भी ज्यादा महान है। इनको वास्तु पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनको आपके घर में आके एक ही काम करना है। ये आपको आके कहीं पे भी आपके घर में नेगेटिविटी बता देंगे, जो भी आपका टॉयलेट नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में होगा या सही दिशा में भी होगा, ये तो भी कहेंगे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। दोस्तों टॉयलेट से हमेशा नेगेटिविटी ही आती है। फिर आपको ये वहां पे रॉड और एनर्जाइजर्स बेचते हैं, उनके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई है मैंने, पूरी सीरीज बन रही है, उसमें मैंने स्कैन करके दिखाया है कि एनर्जाइजर लगाने से पहले एक जगह का ऑरा कैसा था और लगाने के बाद उस ऑरा में क्या डिफरेंस आया है। वो एनर्जाइजर भी इन्हीं के खरीदे हुए हैं मेरे, इन्हीं की कंपनी से मंगाए हैं मैंने। बहुत सारे ऑरा स्कैनर्स वाले जो है, जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं ना, एनर्जाइजर और ये पैसिफायर और पता नहीं क्या क्या रॉड्स बेच रहे, उन्हीं के ब्रांड्स के मंगाए हैं मैंने और उनसे स्कैन करके पूरा वीडियो बनाया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वो वीडियो देखने के लिए भी, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो है आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों उसमें और ज्यादा इनकी पोल खोली है मैंने, और उसके बाद दोस्तों ये आपको आपके घर में बताएंगे कि यहाँ नेगेटिविटी है यहाँ पे रॉड लगा लो, यहाँ नेगेटिविटी है यहाँ पे रॉड लगा लो। और सबसे बड़ा जो इनका एक वो होता है एम होता है, वो है आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस बताना। इनको ये नहीं पता कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता कितनी तरीके का है। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में ऑरा स्कैनर वाले मिले थे मुझे, मैंने उनसे पूछा आप क्या ये बता सकते हैं सर कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता कितनी तरीके का है। दोस्तों इन्हें ये नहीं पता कि जियोपैथिक स्ट्रेस कितने तरह का होता है और कौन से लेवल होते हैं उसके। सिर्फ किसी भी घर में जाओ और ऐसे अपना ऑरा स्कैनर लेके चलो, मैंने आपको डेमो भी दिखाया, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई इसके ऊपर, वहां पे ले जाके उसको ऐसे हाथ से, और दोस्तों आप कभी भी देखिएगा हाथ से ला रहे होते हैं,
आप अपने हाथ में अगर मांगेंगे तो कभी आपको ओआरएस स्कैनर नहीं देंगे, कहेंगे आपके हाथ में काम ही नहीं करता, ये कभी ऐसे किसी के हाथ में काम नहीं करेगा, ये मेरा सिद्ध किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, दुनिया भर की बातें बना देंगे, आपके हाथ में कभी नहीं देंगे। तो दोस्तों ये कहीं पे भी बता देंगे ऐसे खोल के कि यहाँ पे तो जियोपैथिक स्ट्रेस है, फिर ही अपने साथ सामान लेके चलते हैं, रॉड लेके चलते हैं, रॉड लगाएंगे, आपको दिखाएंगे ये देखो अब यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस खत्म हो गया, आप भी खुश हो जाते हैं और क्लाइंट है, क्लाइंट तो बैठा खुश होने के लिए बेचारा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दुखी चल रहा है, उसको तो एक होप दिखती है। वास्तु कंसल्टेंट से होप होती है दोस्तों लोगों को, जिसको ये खराब करते हैं और फिर उसके बाद लोग कहना शुरू कर देते हैं कि वास्तु शास्त्र एक फ्रॉड चीज है, वास्तु शास्त्र कराने से कुछ नहीं होता। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे डायरेक्शंस चेक की जाती है वास्तु शास्त्र में। आप साइड में देख सकते हैं, अगर आपका प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो उसमें पद किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये स्ट्रेट प्लॉट है, नॉर्थ सामने गया है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर, वेस्ट उधर। अगर आपका प्लॉट स्ट्रेट है तो किस तरीके से आप उसमें पद बनाएंगे और किस तरीके से आप कहां पे, कौन सी जगह पे आपका मुख्य द्वार आना चाहिए, बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों अगर आपका प्लॉट टिल्टेड है, टिल्टेड में इस तरीके से डिवीजन किया जाता है। अब ये जो आप साइड में प्लॉट देख रहे हैं थोड़ा सा टिल्टेड है, नॉर्थ इसका थोड़ा सा साइड में आया हुआ है, उसमें आप किस तरीके से पद बनाएंगे वो भी बताए गए हैं, मुख्य द्वार की लोकेशंस भी बताई गई है। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों तरीके के मैंने आपको ये दिखाए हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका होता है वास्तु शास्त्र में डायरेक्शंस चेक करने का। अब ये क्या करते हैं, ये आते हैं अपना डायरेक्शन एक बार हल्की सी देख ली, हाँ अच्छा इधर नॉर्थ है, उसके ऊपर चक्रा रखा, जहां जो आ गया वहां काट पीट के खत्म कर दिया आपके नक्शे को दोस्तों, बर्बाद कर देते हैं किसी भी अच्छे बने नक्शे को। मतलब मैंने आपको इसीलिए मैंने आपको बताया, मैं वो कंसल्टेंट का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, तो मैं यहाँ कंसल्टेंट का नाम नहीं ले सकता दोस्तों, उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। उसने ऑनलाइन एक मैप बना के दिखाया था, परफेक्ट वास्तु से बना हुआ घर, और वही घर का मैप मैंने कॉपी करके उसको भेज दिया कि ये मेरे घर का नक्शा है जी, इसमें बताना वास्तु कितना खराब है। उसने पूरे नक्शे को रेड कर दिया दोस्तों कि यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये खराब है। अरे भाई आपने ही तो बताया था अपनी वीडियो में, अब आप उसी को खराब बता रहे हो, क्योंकि उसने लगा दिया उसके ऊपर चक्रा दोस्तों। तो दोस्तों ये चक्रा जो टेक्निक है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है, तो इससे सबसे ज्यादा बच के रहें दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर भी दोस्तों, इन दोनों चीजों से बहुत बच के रहें। जो ओरिजिनल वास्तु है उसको फॉलो करिए, एक्चुअल में आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर सच में आप भी रिजल्ट लेना चाहते हैं, इनको डायरेक्शंस तक चेक करने नहीं आती, ये सिंपल तरीका होता है डायरेक्शन चेक करने का। ये अपना वो चक्र लगा के डायरेक्शन चेक करते हैं, कोई भी जरा सा लंबा प्लॉट मिल जाए इनको, उसका बेचारे का आगे और पीछे गायब कर देते हैं, जो चीज चक्रा के बीच में आ रही है वो ठीक, बाकी सब गलत। आप देख सकते हैं साइड में, ये चक्रा वाले ने ही बनाया हुआ है बेचारे ने, बीच में से चक्रा लगा दिया, डायरेक्शंस वहीं पे काट के छोड़ दी, ऊपर और नीचे वाला प्लॉट बेचारा वो गया पानी में। तो दोस्तों ऐसे चक्कर में ना पड़े, अपना अपने घर का नमूना ना बनाए, अपना मजाक ना उड़वाए इस चक्रा के चक्कर में आके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।